नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस नए और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा घरेलू उपचार बताऊंगा, एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से अगर आप अपने गंदे पीले दांतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो दोस्तों इसमें आपको 100% निजात मिलेगी। आपके गंदे पीले दांत मोती की तरह चमक उठेंगे। दोस्तों गंदे पीले दांत होने के दो मुख्य वजह हैं, एक तो आप अपने दांतों का सही से रख रखाव नहीं रखते हैं और दूसरा अगर आप गलत नशे के शिकार हैं जैसे कि बीड़ी पान सिगरेट और शराब आदि नशे को आप करते हैं तो फ्रेंड्स इससे भी आपके दांत गंदे पीले होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं और फ्रेंड्स इससे आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर आप किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं और अपनी बातों को रखते हैं तो फ्रेंड्स लोग आपका मजाक उड़ा देते हैं कि आपके गंदे पीले दांत हैं, तो फ्रेंड्स इससे आपका आत्मविश्वास बहुत तेज़ी से घट जाता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो खास करके आपके लिए है जो कि अपने गंदे पीले दांतों को मोती की तरह चमकाना चाहते हैं। और फ्रेंड्स आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आप पूरी जानकारियां प्राप्त कर सकें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बगल में आए हुए घंटी को दबा दें जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियो की जानकारियाँ जल्द से जल्द मिल जाया करेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं आज के इस दमदार और असरदार रेमेडी को। दोस्तों इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक क्लीन बॉल की जरूरत पड़ती है जिसमें कि आप इस रेमेडी को तैयार कर सकें। फ्रेंड्स आपको इस रेमेडी में सबसे पहली चीज़ लेनी है वह है दोस्तों एलम, एलम यानी कि फिटकरी। दोस्तों फिटकरी आपको बहुत ही सस्ते दामों में किसी भी किराने स्टोर पे मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको फिटकरी लेना होगा और फ्रेंड्स इसे पीस करके और पाउडर बना लेना होगा। तो फ्रेंड्स मैंने पहले से ही फिटकरी को पाउडर के रूप में बना करके रखा हुआ है, तो फ्रेंड्स आपको इसकी थोड़ी सी मात्रा ले लेनी होगी। दोस्तों इतनी मात्रा काफ़ी है आपके गंदे पीले दांतों को मोती की तरह चमकाने के लिए, आपके दांतों से बदबू को हमेशा के लिए दूर करने के लिए। तो फ्रेंड्स आप थोड़ी सी मात्रा में फिटकरी ले लें। और फ्रेंड्स इसके बाद आपको इस रेमेडी में दूसरी चीज़ लेनी होगी जो कि दोस्तों आपके गंदे पीले दांतों को बहुत ही तेज़ी से मोती की तरह चमका सकता है। तो फ्रेंड्स आपको इसमें थोड़ी सी मात्रा में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों आप इतनी मात्रा में बेकिंग सोडा ले लें। और फ्रेंड्स इसके बाद आपको इस रेमेडी में तीसरी चीज़ लेनी होगी जो कि दोस्तों आपके दांतों से बदबू को बहुत ही तेज़ी से ख़त्म कर सकता है, और दोस्तों ये है नींबू। दोस्तों आप सभी जानते हैं नींबू में प्रचुर मात्रा में सिट्रिक एसिड पाया जाता है जो कि आपके दांतों से गंदेपन को और कालेपन को निकालेगा। इसके साथ साथ अगर आपके दांतों में कीड़े हो चुके हैं तो दोस्तों उसे भी पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। और फ्रेंड्स इसके बाद आपको इस रेमेडी में आखिरी चीज़ लेनी होगी वह है दोस्तों जीरा। जी दोस्तों जीरा के इस्तेमाल से आपके गंदे पीले दांत बहुत ही तेज़ी से मोती की तरह चमकेंगे, दूध की तरह दिखाई देने लेंगे और इससे आपका आत्मविश्वास बहुत ही तेज़ी से वापस लौट आएगा। तो फ्रेंड्स आपको जीरे को पीस लेना होगा और फ्रेंड्स पीस लेने के बाद आपको इसका पाउडर तैयार कर लेना होगा। और फ्रेंड्स पाउडर तैयार कर लेने के बाद आपको इसकी थोड़ी सी मात्रा लेनी होगी। दोस्तों आप आधी चम्मच की मात्रा में ये पाउडर ले लें और फ्रेंड्स इसके बाद आप इन सारी चीज़ों को आपस में बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर दें। दोस्तों जब आप इसे अच्छे तरह से मिक्स कर देते हैं तो दोस्तों यह एक पेस्ट की तरह बनकर तैयार हो जाता है जो कि दोस्तों आपके गंदे पीले दांतों को मोती की तरह चमकाने में 100% कारगर है। तो फ्रेंड्स जान लेते हैं आपको इसका कब और कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों आपको इसका इस्तेमाल रोजाना सुबह करना है। जब भी आप ब्रश करते हैं तो कोलगेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों इस बार आपको कोलगेट का इस्तेमाल न करके इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों जब आप इससे अपने दांतों को 2 से 3 मिनट तक साफ करेंगे और उसके बाद अपने दांतों को साफ पानी से वॉश करेंगे तो दोस्तों पहली बार के इस्तेमाल से पाएंगे कि आपके दांतों में चमक आनी शुरू हो चुकी है, आपके गंदे पीले दांत बहुत ही तेज़ी से सफ़ेद हो जाएंगे।